नमस्कार फ्रेंड्स फ्रेंड्स जदि आपणको केबे भी अचानक टंका आवश्यकता पड़े आउ टंका पाई आपण सबुआडू निराश हो सारी तबे आपण केवल थर्ड मात्र उल्लग्न हो ए गोटे काम को कर दियंतु देखिबे आपणको धनलाभ करिवारु केही भी अटकै पारिबे नै। फ्रेंड्स खोला कथा जे ए प्रयोगटी गोटे तांत्रिक प्रयोगटी आउ ए प्रयोग कर दिया परे आपणको टंका पाई अपेक्षा मध्ये करिवाकु पड़िबो नै। एमिति के राति पाही सकाळ हेबा बेळकु ही आपण आशा करथवा टंका आपणको निश्चय मिलिबो। फ्रेंड्स जदि आपण आम कहि अनुसार सठिक विधि प्रयोगटी को करती तेज आपको ए प्रयोग में असफल होबार टिके भी चान्स ना तेणु आपण ए भिडियोटी को टिके भी स्किप नक संपूर्ण शेष पर्यंत देखु आउ भिडियो को देखा पर जब भिडियोटी आपको पसंद आसे तेज भिडियोटी को गोटे लाइक करने सहित चैनल को आपड़ प्रथम कर आसते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल बटन टी आल करके दबे दिखाँ जहाद्वारा आप यही भिडियो आगक देखा पारे। फ्रेंड्स बेले बेले आपुवे कौन व्यक्ति रास्त चलु चलू अचानक टकर भर्ती होता गोटे ब्याग टीए मिलला नचे कौन व्यक्तिर बैंक आकाउंट को लक्ष लक्ष ट क्याश चली आसी जदिव से भाई घटना खूब कम घटी था आउ कौनसी कारणरू भूल वशत यह घटी था कि आज आम बतई प्रयोग को आपड़ करदेपर आपण को सही पर टा मिल कि आपण को आपण भाग्य कारण ही मिल तेज जानतु आपड़ ये प्रयोग को केमी करेंगे। फ्रेंड्स आपण ये प्रयोग केवल कौन संक्रांति किंवा अमावास्या दिन ही करेंगे विशेषकर ए प्रयोग को जब आप अमावास्या करती तेज तो खूब भल कहीं अमावास्या रात को कालरात्रि कहुए आउ अमावास्या रात जहाँ भी आपड़ कम करेंगे से कम आपर निश्चय सफल हम तेज आप कौन करेंगे ना जदि आप स्वतंत्र भाव में अगर कौन घर थाए तो आप कम को खूब सहजे करेंगे किदि आपड़ी कौन घर न था आउ आप गोटे घरे बसवास करती तेज प्रथम आप स्त्री पिला छुआ को निजर बंधु बांधव घर हो किंवा बाप घर को प्रथम पठे दिखाँ कहीं प्रथम तो आपको ये कम कौन एकांत स्थान में ही करा पड़ो आउ ता छड़ा ए कम को आप उल्लग्न हो करेंगे। फ्रेंड्स ए कम को आप अमावास्यार मध्यरात्रि हिं करेंगे मध्यरात्रि कहले आप राति एगारटू नहीं गोटे राति भितर हिं कम को करेंगे आपण प्रथम अमावास्या दिन राति राति एगारटा हाँ पूर्व ही खूब भल भाव गाधो पाध स्नान शौच हो जातु कि मन रखिए आप गाधो सारे आपण देहरे जपरी खंडे भी वस्त्र न रुहे एमतीक देहरे सूता खंडे भी जपरी न रुहे आपण गाधो सारे सेहीपरि उल्लग्न होइकि ही आसिबे आउ घर भितर को पसिया परे खंडे आसन बिछे से आसन उपर आपण बसंतु आउ एहा परे आपण त्रिगंधर गोटे साही टीए प्रस्तुत करंतु। त्रिगंध कहिले आपण किछि कुमकुम किछि केसर एवं किछि कर्पूर रे आपण अल्प टिके पानी दे ताको आपण साही परि बनांतु आउ आपण ए त्रिगंध को साही परि बनौथवा समय रे आपण ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः ए मंत्र को आपण निरंतर जप करथुबे आउ एहा परे आपण जे साही के बनैथिबे आपण खणे रूपार तार हो किमा रूपार पिन रे खणे बड़ भोजपत्र उपरे आपण श्रीं 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 एहिपरि आपण हजार आठ बार श्रीम शब्द से भोजपत्र उपरे बनांतु मन रखंतु आपण श्रीम लेखुथवा समय रे कोनसी कमा किमा कोनसी फुल स्टॉप देबार मते आवश्यक नै किंतु गोटे कथा मन रखिबे आपण जे समय रे श्रीम शब्द को लेखुथुबे से समय भी मध्य आपण ओम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं महालक्ष्मी नमः ए मंत्र को जप करिया सहित ही लेखुथिबे आउ जेते बेले आपण श्रीम शब्द को हजार आठ बार लेखि सारिबे आपण गोटे हकी क्रमाळरे एही दिव्य मंत्र को केवल गोटे माला अर्थात शहे आठ बार जप करिबे। मंत्रटी होउछि श्रीं देवत्वे गंधर्व पिशाचि कुबेराय हसन्मुखी आगछ सिद्धय श्रीं श्रीं ओम फट श्रीं देवत्वे गंधर्व पिशाचि कुबेराय हसन्मुखी आगछ सिद्धय श्रीं श्रीं ओम फट। फ्रेंड्स ए मंत्र रे आपण ओम लगेबेनि आउ ए मंत्र को जेतेबेला आपण 108 बार जप करथुबे प्रति मंत्र को जप करथा भितर आपण निज तर्जनी आंगुल रे से त्रिगंध को नै आपण जो भोजपत्र उपरे श्रीं लेखिछन्ति से श्रीं उपरे आपण गोटी गोटी करि तिलक लगांदु। हाँ आपण मन रे प्रश्न आसी पारे जे ए मंत्र को तो आमे 108 बार जप करू किंतु श्रीं शब्द को आमे 1008 बार लेखिछु तेणु 108 बार मंत्र जप भितर आमे 1008 श्रीं उपरे केमिति तिलक करू तबे जानि नंतु आपण
ଥରେ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରୁଥିବା ଭିତରେ ଯେପରି ଆପଣ 8-10 ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ଉପରେ ତିଳକ କରିବେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ 108 ବାର ହୋଇଯିବ, ଆପଣ ସେ ସବୁ 1008 ଯାକ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ଉପରେ ଆପଣ ତ୍ରିଗନ୍ଧରେ ତିଳକ କରିସାରିଥିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାମକୁ କହିଲୁ ସେ ସବୁ କାମ ଆପଣ କେବଳ ଅମାବାସ୍ୟାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହିଁ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କାମକୁ ଆପଣ ରାତି 11 ନେଇ 1 ଭିତରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସବୁ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାଧନା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବା ପରେ, ଆପଣ ଭୋଜପତ୍ର ଉପରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଙ୍ଗ ଶବ୍ଦକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଭୋଜପତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ତାବିଜ ଭିତରେ ପୁରେଇ ତାକୁ ନିଜ ଡାହାଣ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚୁପଚାପ ଯାଇ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରଦିନ ସକାଳୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦିନ 12 ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି ଆପଣ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବାର ମିଳିପାରେ, ନଚେତ୍ କେହି ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ସେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ବି ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବାଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଏମିତିକି ଆପଣ ମନରେ ଯେତିକି ବି ଆଶା ରଖିକି ସାଧନାକୁ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଗୁଣରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଦିନର ସାଧନା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ 101% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଧନପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କେବଳ ଥରୁଟେ ମାତ୍ର ଏ ସାଧନାଟିକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।